एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से बड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा कर रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो उसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इस पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने सकने का दुख हुआ तो पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो खास है तो उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करवा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसमें समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनका माला चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसने अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक कर कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसके नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी थी कि जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है, खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर दाखिल किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद घर पर रहकर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल समीर जानता था कि भले अभी उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी उनकी ममता उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं होते, इसलिए उसने माँ बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है, अपनी जरूरतमंदों कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।